हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई बहुत ही सिंपल सी एक ट्रिक लेकर आई हूँ, जिससे आप अपने बालों को फ्लफी और बाउंसी दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मानसून आ चुका है और समर्स में और मानसून में हमारे बालों में चिपचिपाहट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है और बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिपचिपे से नजर आते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली नजर आते हैं, राइट। तो ऐसे में आप अपने बालों को कैसे फ्रिज फ्री और फ्लफी और बाउंसी बना सकते हैं, यही चीज मैं आज आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और ये बिल्कुल फ्री है। मैं कैसे अपने बालों में शैम्पू करती हूँ, कैसे ऑयल मसाज करती हूँ, इन सभी की वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर अपने हेयर केयर की वीडियोज काफी सारी शेयर की हुई है। और आई बटन पर क्लिक करके भी आप मेरी हेयर केयर वीडियो पे जा सकते हैं। बहुत सारे मैंने हेयर केयर से रिलेटेड डीआईवाई अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। और मैं अपने बालों की देखभाल कैसे करती हूँ और कौन सा हेयर मास्क लगाती हूँ, ये सभी चीजें मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, तो प्लीज एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आप अपने बालों को बाउंसी कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक मोटे ब्रिसल्स वाली कॉम की जरूरत होगी। ये देखिए, इस साइड से आपने कॉम करना है अपने बालों को, बारीक वाली साइड से नहीं करना है, बैक कॉम्बिंग करनी है। बस अपने बालों को जिस तरह की से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरीके से आपने कॉम करना है। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों में अच्छे से शैम्पू कर लिया है, बालों को धो लिया है और अभी मेरे बाल कुछ गीले हैं तो मैं अपने बालों में यहाँ पर ड्रायर करूँगी। तो मैं यहाँ पर ड्रायर का कभी कभी यूज़ करती हूँ, डेली यूज़ नहीं करती हूँ हेयर ड्रायर, बट अगर कभी कहीं मैंने बाहर जाना होता है तो मैं एक आध बार ड्रायर कर लेती हूँ बालों में। यहाँ पर मैं अपने बालों को अच्छे से पहले सुलझा लूँगी। तो आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए, कोई भी टैंगल नहीं होने चाहिए आपके बालों में, सभी टैंगल्स को अच्छे से हटा लीजिए और बहुत ही अच्छे से कॉम करनी है अपने बालों में। तो यहाँ पर मैंने कॉम कर लिया और अब मैं कर रही हूँ अपने बालों में ड्रायर। और अब मैं अपने बालों को अच्छे से सुलझा लूंगी एक बार और। तो अच्छे से कॉम कर लीजिए अपने बालों में। और मैं अपने बालों को बैक कॉम्बिंग करूँगी। आप सारे बाल आगे की तरफ गिरा लीजिए और इस तरीके से आपने कॉम करनी है। और आपने चौड़े दांत वाली ही कंघी लेनी है, यानी कि चौड़े ब्रिसल्स वाली ही कॉम का इस्तेमाल करना है। उसी साइड से ही आपने कॉम करनी है बालों में अच्छे से। एक से दो मिनट तक अच्छे से कॉम कर लीजिए और अब अपने बालों को मैं सीधा कर लूँगी। और अब आपने कॉम का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने सिर्फ अपनी फिंगर्स की हेल्प से ही अपने बालों को थोड़ा सा सेट कर लूँगी। तो ये देखिए, आप बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक में आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है, काफ़ी फ्लफी और बाउंसी नज़र आ रहे हैं बाल। तो बस यही थी मेरी आज की ट्रिक, बहुत ही इजी ट्रिक है गाइज, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप कहीं भी कभी भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं बाल। इसके बाद आपने कोई भी हेयर स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही कोई जेल वगैरह का इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपके बाल फ्लफी नहीं नज़र आएंगे। और इस ट्रिक को कॉलेज गोइंग गर्ल्स, वर्किंग वुमेन या स्कूल गोइंग गर्ल्स कोई भी अपना सकता है, बहुत ही इजी है। बस आपके बैग में होना चाहिए ये चौड़े ब्रिसल्स वाली कॉम होनी चाहिए। इससे आप अपने बालों को इजीली बैक कॉम्बिंग कर अपने बालों को बाउंसी और फ्लफी दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में दिखाया। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही हो, और हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम सभी यूट्यूबर्स आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तरह तरह के DIYs लेकर आते हैं, तरह तरह की ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर आते हैं। तो बदले में गाइस एक लाइक तो बनता है यार, आपसे एक लाइक ही तो मांगते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैं अपने चैनल पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियोज लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।